हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई पी एस। मैं सेल्फ अंकुर और कॉमर्स एंड स्पीकर। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अपने आरपीएससी के ईएएफएम यानी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे सिलेबस को डिटेल हम लोग जो है एनालाइज करेंगे और ये पता करेंगे कहाँ से हम इन टॉपिक को कवर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और बेसिकली इस चैनल पे हम लोग अपने कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड और अदर आरपीएससी की जो भी वैकेंसीज आती है उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो जो है वो डालते रहते हैं। ठीक है, चलिए अपने सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं। और बेसिकली अपना एग्जाम का पेपर 3 जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, पेपर 2 का अपना एग्जाम है वो भी मई में जो होने वाला है ना। तो हमारे पास अप्रोक्स 3 महीने के आसपास में, 3.25 महीने के आसपास में है हमारे पास टाइम। और अभी भी अगर हम मन लगा के ढंग से सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं तो अपना जो है वो होने की संभावना है और जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना कहाँ है सिलेबस और इसको कहाँ से हम लोग जो है वो कवर कर सकते हैं। तो देखो, ये है अपना आरपीएससी पेपर 1 का। ठीक है, ये बच्चों क्या है अपना आरपीएससी पेपर 1 का सिलेबस है। और सबसे पहले पेपर 1 में अपना पहला जो है वो है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड ग्रोथ। ठीक है, इसके अंदर में कॉन्सेप्ट नेचर एंड स्कोप्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस इन डिफरेंट कर्व है ना, प्राइस और उसके बाद फिर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, नेशनल इनकम है ना, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ डेवलप। तो ये अपने सारे क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम। ये अपना टॉपिक है, इसको हमें कवर करना है। अब हम इसको कहाँ से कवर करें, तो देखो अपना इसका सिलेबस और यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस जो है सेम है, उसके अंदर में भी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स वहाँ पे है तो आप कुछ टॉपिक जो है वहाँ से कर सकते हैं। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना नहीं है वहाँ पे, उसके लिए आप अपने 11th 12th की बुक को फॉलो कर सकते हैं है ना, जिसमें अपना मैक्रो इकोनॉमिक है जिसके अंदर में अपना नेशनल इनकम और भी वैल्यू टॉपिक जो है कवर किए। ठीक है, तो आप या तो 11th 12th की इकोनॉमिक्स की बुक से इसको कवर कर सकते हैं या फिर अपने यूजीसी नेट का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वहाँ से माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स आप 12th की बुक से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है अपना इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके अंदर में बेसिकली हमें पढ़ना है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, पॉल्यूशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है ना। तो बेसिकली इन टॉपिक को हम लोग जो है एक सर्टेन जगह पे बेसिकली 11th 12th में अपना एक इंडियन इकोनॉमी भी आता है तो वहाँ से आप जो है इसको कवर कर सकते हैं या फिर गूगल पे भी सर्च करके आप इनको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना है पब्लिक फाइनेंस, जिसके अंदर में हमें कवर करना है नेचर, कॉन्सेप्ट एंड फीचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कानून ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी है ना, जो कि अपना जीएसटी हो गया, उसके बाद फिर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स एविएशन, टैक्स अवॉइडेशन है ना, थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल डेवलपमेंट। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और ये सारे हमारे टॉपिक जो है इसको हम लोग बेसिकली जैसे जीएसटी वाला हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह वाला हो गया, तो अपना यूजीसी नेट कॉमर्स का अपना जो यूनिट नंबर 10 है वहाँ से हम लोग कवर कर सकते हैं। बाकी सारा हम लोग जो है वो अपने गूगल से कवर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों ये है मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी है ना, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है, मॉनेटरी पॉलिसी है। तो इसके लिए मैंने अपने कॉमर्स के चैनल पर CUET PG में है ना बैंकिंग के नाम से जो है वो एक चैनल प्ले लिस्ट है, उसके अंदर में आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली बैंकिंग के नाम से है और अपना मनी एंड फाइनेंस, ठीक है, इसके नाम से भी अपना टॉपिक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं मनी एंड सॉरी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के नाम, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान, तो अपने राजस्थान की इकोनॉमी क्या है उसके बारे में, लाइक अपना बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, तो इसको ना आप लोग क्या कर सकते हैं अपने यूट्यूब पे ये टॉपिक सारे कवर कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं या फिर गूगल पे भी सर्च करके कर सकते हैं। देखो सारा सिलेबस अपना एक जगह पे तो कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एकदम घर से हम लोगों को इन सबको जो है वो करना ही पड़ेगा। तो जो
हमें अपने नेट के सिलेबस में मिल जाते हैं वहां से कर लेना है। जो टॉपिक हमारा सीयूईटी में भी इसके सिलेबस है, जैसे कि अपना मॉनेटरी इकोनॉमिक्स जो है ये अपना सीयूईटी का है पूरा, है ना, वहां से लिया गया है कि अपना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, वैसे इकोनॉमिक्स का भी अपना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट अपना बिजनेस फाइनेंस में मिल जाएगा, है ना, बैंकिंग के अंदर में भी मिल जाएगा मनी फाइनेंस। तो पर्टिकुलरली उस जगह से हम लोग जो है सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बच्चों हम लोग देखते हैं अपना पेपर टू का सिलेबस। तो पेपर टू की अगर सिलेबस की हम लोग बात कर लें, देखो बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो ये अपना यूनिट नंबर 7 है यूजीसी नेट का, और इसको भी मैंने कवर किया हुआ है अपने कॉमर्स के चैनल पर, तो वहां पे आप देख सकते हैं, वहां से ये सारे टॉपिक कर सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, देखो इसके अंदर में भी IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह एग्जिम ECBC है ना, WTO बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो इन सारे टॉपिक्स को बेसिकली हम लोग अपना जो यूनिट 1 है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है ना, वहां से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं UGC नेट के सिलेबस से, है ना। और वहीं अगर हम बच्चों की बात करें सिक्योरिटी एडवाइस, हेलो ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो इसके अंदर में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, देन उसके बाद फिर क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशंस, थ्योरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, तो ये सब भी देखो पर्टिकुलरली सब जगह पे नहीं मिलेगा, जैसे कि अपना SBI है, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, तो ये सब अपना बैंकिंग के अंदर में मिल जाएगा ये कुछ टॉपिक्स, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स हम लोगों को गूगल पे जो सर्च करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अपना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि अपना बिजनेस फाइनेंस से पूरा मैच करता है, लाइक अपना मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, है ना, कैपिटल बस्टिंग अपना टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिजनेस फाइनेंस का है, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, रेशियो एनालिसिस, तो ये पूरा जो अपना टॉपिक है ये सारे हमारे UGC नेट का जो अपना बिजनेस फाइनेंस है वहां से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हमारे क्या क्या है, तो कोरिलेशन रिग्रेशन, बेसिकली अपना ये बिजनेस रिसर्च का पार्ट है ना, वहां से हम लोग इसको कर सकते हैं, हाइपोथेसिस हो गया, सैम्पलिंग हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट, गुडनेस ऑफ इट, अनोवा, है ना, CPM, PRT, है ना, तो द गेम थ्योरी, इन सब चीज़ों को भी आप अपने बेसिकली जो अपना रिसर्च का पार्ट है वहाँ से हम लोग रिसर्च से कर सकते हैं, ये भी आपको UGC नेट कॉमर्स के चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना, बस आपको ये टॉपिक्स वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई पूरी उसमें आपको देखना है, ठीक है। तो ये बच्चों ये था अपना पूरा ओवरऑल सिलेबस, है ना, मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से हम लोग जो है वो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको अपना सजेशन, पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि बेसिकली ना सारा सिलेबस उठा के पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2 से 3 साल का ज़रूर एनालाइज कीजिएगा, और उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी ज़रूर पहले नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आप कीजिएगा, काफ़ी सारे सिलेबस जो हैं हमारे UGC नेट से मैच करते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, अपने IFAS के कॉमर्स चैनल पर आपको कुछ टॉपिक्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, है ना, RPSC में भी आपको कुछ काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने करवाए हैं इसके अंदर में, तो वहाँ से भी इसको आप जो है वो कवर कर सकते हैं, या फिर वैसे ही आप अदर जो हमारे फैकल्टीज है, YouTube तो एक अपना ज्ञान का संसार है ना, किसी अदर फैकल्टी से भी आप वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सारा एनालाइज करना है ना, और उसके बाद फिर जो टॉपिक्स हमारे एग्जाम में पूछा गया है उनको हमें कवर करना है, और देन फिर इसके मॉक लगाने हैं, ठीक है। चलिए, और उसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने वैल्यूएबल सजेशन जो है वो भी जो है वो जरूर दीजिएगा। ये हमारे UGC नेट के टॉपर्स हैं, GATE, RPSC और SET के टॉपर्स हैं, और IFAS अपने सभी, अभी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर IFAS अपने सभी कोर्सेज पर फ्लैट 75% ऑफ दे रहा है, आप लोग चाहें तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं, आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, बेसिकली जो भी लाइव क्लासेस होती है वो सारा आपको ऐप पे मिल जाएगा, सारे PDFs वगैरह जो है वो UGC नेट की क्लासेस बेसिकली IFAS के चैनल पे चलता है कॉमर्स पे, तो आप शाम के टाइम में 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपका टॉपिक जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है आप उसको वहाँ पे जो कवर कर सकते हैं,
ठीक है, और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने वैल्यूएबल सजेशंस जरूर दीजिएगा, और आपको लगता है कि ये आपके किसी फ्रेंड्स को दोस्त को ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी है, उनको भी बेसिकली ये सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए कैसे कवर करें, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।